Now, today discuss about the clotting times. We have two types of testings already I teach you. First, blooding time. Now, today I discuss about the clotting time. Clotting times in which we have taken venous bloods and the procedures. By using a piece of cotton, apply an spirit for 70% alcohol. The patient finger tips. Make a deep 1 mm incisions with the spline lancet and start to watch the white of first blood drop and collect blood in the capillary up to 2/3 of the eighth of its length. After every half minute, break up about capillary tube 1 cm of the capillary and find out whether fibrin sticks has formed. Now, last point we are discussing about when the fibrin stick appears, stop the watch and note the time. Now, in this test, हम लोग clotting time में मुख्य रूप से हमको कितने देर में blood clot करता है उसका measure. साथ ही इसमें आपको जो है ब्लड क्लॉटिंग डिजॉर्डर इस पेशेंट का जो है इस बीमारी में क्या होगा ब्लड टाइम से क्लॉट नहीं होगा क्लॉटिंग डिजॉर्डर मतलब ये होता है कि आपका जो टाइमिंग होना चाहिए उस टाइम पे आपका ब्लड जम जाना चाहिए लेकिन वो जम नहीं रहा तो ये भी एक बीमारी के रूप में माना जाए उसके बाद आपको बताए सैंपल के रूप में आप जो ले हुए विदाउट एंटीकोगुलेंट यानी आपको इडिटीए पाउडर का यूज नहीं करना है इस ब्लड में अगर टेस्ट टू मेथड से करते हो अगर कैपिलरी करते हो तो आप डायरेक्ट रूप से ब्लड लोगे फिंगर से स्वाब से वॉश करके उसको फिंगर से कैपिलरी लोगे और हल्का हल्का पुश करोगे तो ऑटोमेटिक ब्लड ऊपर फ्लो करेगा और उसके बाद जो है लैंसेट से 1 mm लगभग आपको प्रिक कर देना ताकि फोर्सली ब्लड नहीं हो वो आपको ऑटोमेटिक ब्लड फ्लो ठीक है वाइप्स ऑफ फर्स्ट अबाउट ड्रॉप कलेक्ट ब्लड इन द कैपिलरी 2-3 mm लेंथ उस कैपिलरी का 2-3 भाग जो है आपका ब्लड कलेक्ट होना चाहिए और उसके प्रत्येक हाफ मिनट पर उसको ब्रेक डाउन कीजिए तोड़िए तोड़ने के बाद एक फाइब्रिन होगा रेड कलर का फॉर्मेशन होगा और जहाँ आपका फाइब्रिन का फॉर्मेशन हो जाता है वहाँ स्टॉप वॉच को बंद करके उस टाइम को नोट कीजिए वही कैपिलरी